खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बराछूनाला दकड़ी से लेकर चबाड़ी मार्ग पर बन रहे 55 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। वही पर उन्होंने बताया कि बहुत से महत्वपूर्ण पुलों का शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि इन पुलों के बनने से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को घुमारवीं आने के लिए काफी सुविधा मिलेगी। उन्होंने घुमारवीं में विकास कार्यों को लेकर कहा कि चाहे सड़क की बात हो, चाहे पुलों की बात हो या जल जीवन मिशन के तहत आने वाली स्कीमों की बात हो, उनके लिए 85 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाए गए हैं, जिनका कार्य जोरों पर चल रहा है। वहीं उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री व शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हिमाचल में भी बदलाव होगा तथा हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य इस मामले पर राजनीति कर रहे हैं तथा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पूरी आक्रमकता के साथ कार्य कर रहे हैं और प्रदेश में कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेसी नेता नए सपने देख रहे हैं लेकिन उनके ये सपने कभी भी पूरे होने वाले नहीं हैं। सर, आज अपने जो दो पुलों का शिलान्यास किया है, कितना महत्वपूर्ण है, क्या करना चाहेंगे? आज जो पुलों का शिलान्यास किया, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पुल है, जिसके कारण यहाँ अभी जो क्या बारछू नाले के ऊपर दकड़ी और चौड़ी के बीच जो है ये सब इस पुल का शिलान्यास किया, उसकी लागत जो है लगभग 55 लाख रुपए से ये पुल बनकर तैयार होगा कंप्लीट, और जिसको चरणबद्ध तरीके से उसको पूरा किया जाएगा, और जिसके कारण हमारी ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी जो है इसको यहाँ घुमारवीं और आसपास से आने जाने के लिए एक नियरेस्ट अप्रोच जो है होगी और लोगों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। सर, लगातार विकास कार्यों को आप जो है अमलीजामा पहना रहे हैं, किस तरह से घुमारवीं का विकास किया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? घुमारवीं के विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे पुलों की बात हो, चाहे पीने के पानी की बात हो। अभी पीने के पानी के लिए हमने 85 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के तहत घुमारवीं विधानसभा के लिए स्वीकृत कराए हैं, और जिसका काम जो है अलग अलग स्कीमों का जोरों पर चला हुआ है। सर, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले हैं, उसके बाद विक्रमादित्य सिंह जो शिमला ग्रामीण से विधायक है, उनका कहना है कि हिमाचल में भी ये चीज होने वाली है, इस पे किस तरह का पलटवार करेंगे? देखो, हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छी चल रही है और बड़े अच्छे तरीके से सारे विकास के कार्य प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। विक्रमादित्य तो राजनीति कर रहे हैं, उनको इसके अलावा उनके पास कहने को कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार के जो विकास के कार्य हैं, जिस प्रकार आक्रामकता के साथ जो है मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, उसके कारण कांग्रेस मुद्दा विहीन है और रोज नए नए सपने देखती है जो उनके कभी पूरे नहीं हो गए।